दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरी मिर्च के पौधे से या पौधे को जब भी हम लगाते हैं तो बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या फिर फ्लावरिंग तो कर रहा है परंतु फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, फूल टूट कर गिर जाते हैं। तो मिर्च के पौधे के जो फूल हैं वो टूट कर क्यों गिर जाते हैं, किस तरह से हम मिर्च के पौधे की केयर करें और किस तरह से ज़्यादा हरी मिर्च अपने घर पर उगाएं, ये सभी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने भी शायद अपने घर पर मिर्च का पौधा लगाया होगा। दोस्तों आपके घर में जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना, बस उसके बीजों से ही आपको मिर्च का पौधा लगाना है। बीजों को मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें, 8 से 10 दिन में इसके छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं और फल आने में तो दोस्तों 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो बताऊंगी दोस्तों मैं आपको कि इस पौधे की मैं केयर कैसे करती हूँ, कैसे मेरे घर पर ये मिर्च के पौधे में इतनी सारी मिर्च लगी हुई है। और दोस्तों यकीन मानिए इन मिर्च को देखकर मन बड़ा खुश होता है और आप मिर्च की क्वालिटी देखकर अंदाज लगा सकते हैं कितनी अच्छी मिर्च लगी हुई हैं। बिल्कुल बड़ी बड़े साइज़ की मिर्ची हैं और सभी मिर्च जो हैं, सभी फूल जो हैं, मिर्च हैं बहुत ही हेल्दी हैं, कभी फूल टूट कर नहीं गिरते हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स है दोस्तों इसकी केयर की, मिर्च के पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। बहुत ज़्यादा यदि हम पानी देते हैं, डेली पानी देते हैं, तो मिर्च के पौधे में जो फूल आ रहे हैं वो फूल टूट कर गिर जाते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते और हमें मिर्च नहीं मिलती है। 4 से 5 दिन में जब आपको लगे अरे इस पौधे की जो मिट्टी है बिल्कुल सूखी हो गई, भुरभुरी हो गई है, तभी आप इसमें पानी दें। तो ये पहली टिप्स थी दोस्तों। दूसरी टिप्स, मिर्च के पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें। जितनी अच्छी से धूप मिलती है दोस्तों उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और उतनी ही ज़्यादा मिर्च का पौधा फ्रूटिंग करता है। डायरेक्ट सनलाइट इसे बहुत पसंद होती है। अगली टिप्स दोस्तों जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि समय समय पर इसमें खाद ज़रूर डालें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी इसके जो फूल हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं। इसलिए जितना बड़ा हमारा पौधा है, जितनी ज़्यादा वो फ्लावरिंग कर रहा है, इसका मतलब उस फूल को फल में बदलने के लिए उतने ही ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है। यदि हम अपने पौधों की पोषक तत्व की ज़रूरत को पूरा करेंगे तभी तो फूल फल में बदलेंगे। सप्ताह में एक बार आप कोई भी कंपोस्ट डालें। खाने वाली सब्जियों में, फलों में कोशिश करें कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली, बहुत सी खाद आती हैं दोस्तों, आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। परंतु सप्ताह में एक बार कोई भी खाद ज़रूर डालें। पौधे यदि बहुत छोटे हैं तो 10 दिन 15 दिन में डालें, परंतु यदि जो हमारे पौधे हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं, तब तो आप उनमें खाद ज़रूर डालें सप्ताह में एक बार। मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिर्च के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई बहुत आवश्यक है। बहुत गहरी गहरी गुड़ाई ना करें, 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा गहरी गुड़ाई ना करें, क्योंकि इस पौधे की जो जड़ होती हैं वो थोड़ी ऊपर ऊपर रहती हैं और ज़्यादा गहरी हम गुड़ाई करते हैं ना दोस्तों, तो कई बार इसकी जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं और फिर हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। तो हल्की हल्की गुड़ाई करें। जितनी ज़्यादा अच्छी हम गुड़ाई करते हैं, ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी गुड़ाई करते हैं, सप्ताह में एक बार 2 बार गुड़ाई करें, उतना बढ़िया एयर सर्कुलेशन होता है। जितना अच्छा एयर सर्कुलेशन होगा हमारे पौधों की ग्रोथ उतनी ही फास्ट होगी। तो इस तरह से केयर करें और मिर्च के पौधे में ढेर सारी मिर्च पाएं।